आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है और दूर्वा चढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री, आपका नित नए वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। तो आज का जो वीडियो है ये भी बहुत काम का है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश को दूर्वा अवश्य ही अर्पित करिए। और दूर्वा के पीछे क्या बात है कि दूर्वा जो है बहुत ही विनम्रता का प्रतीक है। दूर्वा जो उस पर चप्पल रख के चलता है, जूते रख के चलता है, फिर वो खड़ी हो जाती है। इसके पीछे तात्पर्य यह है कि उसमें सहनशीलता बहुत ही ज़्यादा है, क्षमाशीलता बहुत ही ज़्यादा है। जो मनुष्य भगवान श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करता है, ऐसा कहा जाता है कि उसका वंश हमेशा चलता रहता है, उसकी वंश वृद्धि अवश्य ही होती है। कितनी भी समस्याएं उसके जीवन में आए, वो मनुष्य उसी प्रकार से एक बलपूर्वक खड़ा रहता है जिस तरह से दूर्वा बहुतों के द्वारा कुचले जाने के बाद भी सीधी खड़ी होकर अपने अस्तित्व को हंसते हुए दिखाती है कि देखो तुमने मुझे इतना कुचला, इतना चप्पलों के नीचे रौंदा, फिर भी मैं अपने अस्तित्व को लेकर खड़ी हुई हूँ। तो ये ताकत मनुष्य को मिलती है, उसको विपरीत परिस्थितियाँ कितना भी परेशान करें, लेकिन उस दूर्वा की तरह वो मनुष्य भगवान श्री गणपति के आशीर्वाद से हमेशा खड़ा रहता है और किसी संकट से घबराता नहीं है। तो इसलिए गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से बहुत ही फ़ायदा है और ऐसा मनुष्य के जीवन में स्थायी सुख और संपत्ति का निवास होता है जो मनुष्य भगवान श्री गणपति को दूर्वा चढ़ाता है।